नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आई नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के खीवसर से, जहां आज खीवसर पुलिस ने अवैध बजरी माफिया के खिलाफ एक बार फिर से सिकंजा कसना शुरू कर दिया। खीवसर पुलिस ने दो अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से परिवहन करते हुए 3 ट्रेलर को सीज किया। खीवसर पुलिस के अवैध बजरी माफिया के खिलाफ धरपकड़ अभियान के दौरान एक बारंगी अवैध बजरी माफियाओं में जोरदार खलबली मच गई। खीवसर थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। खीवसर थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि शनिवार सुबह नागड़ी सड़क मार्ग पर जोधपुर की ओर से नागौर जा रहे अवैध बजरी से परिवहन करते हुए पुलिस ने एक ट्रेलर को रुकवाकर जांच पड़ताल की। तब बिना कागजात ही अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा था। रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने एक ट्रेलर को सीज किया। वहीं पुलिस ने टांकला टोक नाके पर अवैध बजरी से परिवहन करते हुए नागौर की तरफ जा रहे 2 ट्रेलर को रुकवाकर जांच पड़ताल की। तब बिना कागजात ही अवैध बजरी का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने 2 ट्रेलर को सीज किया है। पुलिस की कार्रवाई के चलते अवैध बजरी माफियाओं में खलबली मच गई। खीवसर पुलिस ने अवैध बजरी से भरे शनिवार को 3 ट्रेलर को सीज करते हुए नागौर खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए सूचना दी है। खीवसर से कमल किशोर तंवर की विशेष रिपोर्ट।